नेपाल के वजीरगंज से अगवा किए गए दो नाबालिग छात्रों को पटना पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन छात्रों को पटना पुलिस ने बस स्टैंड के पास से बरामद किया है। बताया जाता है कि दोनों बच्चे जिस समय पुलिस के पास पहुंचे वे नशे की हालत में थे। इन बच्चों की माने तो इन्हें नशीला पदार्थ सुंघाया गया था। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के वजीरगंज इलाके के ये दोनों बच्चे रहने वाले हैं। दोनों एक साथ एक कोचिंग में पढ़ने जाते थे। शनिवार की सुबह भी दोनों साइकिल से कोचिंग जा रहे थे, तभी रास्ते में पिकअप पर सवार होकर अपराधियों ने उनका अपहरण कर लिया। और अगले दिन शाम को दोनों बच्चे पटना के जक्कनपुर थाने के मीठापुर बस स्टैंड के पास खड़ी पिकअप वैन से ये बच्चे कूद रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने इन बच्चों को पकड़ लिया, जबकि अपहरणकर्ता वहां से फरार हो गए। कल जो है दो बच्चे जो है वो जक्कनपुर थाना अंतर्गत जो वो लोग बरामद हुए थे, उनके द्वारा बताया गया कि वो बीरगंज नेपाल के रहने वाले थे और वहाँ पर कोई पिकअप वाला था और उसने जो है इन बच्चों को कुछ सुंघा दिया था। उसके बाद जो है बच्चे बेहोश हो गए। जब इन बच्चों को होश आया तो ये लोग अपने आप को यहाँ जक्कनपुर थाना अंतर्गत पाए और इन चलहाकी से जो है बच्चे वहाँ से निकले और फिर जो है पुलिस के सहयोग से जो है उन दोनों बच्चों को उनके परिवार जनों को फोन किया गया और विधिवत जो है उनको सौंप दिया गया। किडनैप हो गया था। कहाँ से? बीरगंज बिरता से, नेपाल। नेपाल में? कैसे हुआ था पता नहीं। हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे और पीछे से गाड़ी आया और कोई नाक में सुंघा दिया कुछ। अच्छा, कब हुआ था? कल हुआ था। कल सुबह 11 और 12 के बीच। अच्छा, होश कब हुआ आपको? आज सुबह। तो कैसे यहाँ पहुँचे थाने पे? पूछते पूछते इधर से आदमी सबसे। अच्छा, कितने लोग थे कुछ जानते हैं? चार लोग थे। कुछ सुंघाया था क्या आपको? आपको बता दें कि पुलिस ने जैसे ही बच्चों को भागते देखा, आनन फानन में पुलिस ने पिकअप वैन का पीछा किया और इन बच्चों को बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और पिकअप वैन का पता चलाने में जुटी हुई है। ये जो बच्चे हैं दोगो बीरगंज से ट्यूशन के लिए निकला था 11 बजे दिन में, तो उसमें कुछ अपहरण करके रुमाल सुमा के इसको गाड़ी में बैठाया गया, उसके बाद रक्सौल लेके आया गया। रक्सौल आने के बाद हमको खबर मिला बिहार गोरखा समाज के, और बाद BMP वन में सुबीर क्षेत्रीय एगो हैं, उनका खबर मिला फ़ोन से। उनका जो बच्चा लोग का फोटो हमको क्लिप मालूम हुआ, तो हम पूरे बिहार में हम 40 जिला में हम उसको पूरा गोरखा समाज के हम खबर किए हुए थे, बस स्टैंड स्टेशन सब जगह। लेकिन हमारा जो बिहार पुलिस जो कहते हैं कि आज पूरा बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मेरा बिहार पुलिस है, जक्कनपुर थाना बहुत मीठापुर जक्कनपुर थाना के पास पेट्रोलिंग पार्टी थे, जो मेरा बिहार पुलिस शेर पेट्रोलिंग कर रहे थे, बच्चा का थोड़ा भेदभाव हुआ, जक्कन पुलिस पकड़ के अनिल कुमार सिंह इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर थे सब पकड़ के उन्होंने रखा। मुझे 3-4 बजे खबर मिला ऐसे ही कि हाँ बच्चा गुम हुआ है। फिर फ़ोन से बोला कि नेपाल से फ़ोन से बोला कि हाँ वहाँ पर जक्कनपुर थाना में आपका बच्चा वहाँ पर है, और मुझे पता लगा तो मैं आ गई तो देखी कि बच्चा अच्छा है। अभी नेपाल से आएगा तो उसका फैमिली जैसे मेरा भाई और वहाँ का पुलिस, ये तो पुलिस केस हो गया तो सब फॉर्मेलिटी पूरी होगी तब इसको लिया जाएगा। बच्चे की आप कौन लगे? हुआ बच्चे से आपने मिला? बच्चे से पूछा कि कैसे क्या हुआ था, कुछ बताया बच्चा? हाँ वही बोला, बच्चा बोला कि हुआ देखो हम लोग खेल रहे थे ट्यूशन पढ़े और बैडमिंटन खेल रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी आया था, पीछे से रुमाल में कुछ डाल के सुगा दिया, हम लोग को पता नहीं लगा। हुआ आए तो पटना में थे, अब किस कैसे निकले वो तो वो बोला कि मतलब कि थोड़ा बहुत होश आ गया तो उन लोग 3-4 गो था उसको खाने गया तो उसी में ये लोग भाग के आ गया थाने पे। अच्छा। अब पूछते पूछते कि हमको अभी
उसको तो इतना आइडिया था कि मुझे थाने में जाना है। हाँ। थाना में पूछ गया, थाना में आकर बैठ गया। तो दोनों बच्चे सही सलामत हैं? सही सलामत। साउथ इंडियन खाना खाने के शौकीनों के लिए एकमात्र रेस्टोरेंट चेन्नई डोसा प्लाजा, जहां आपको मिलेगा 107 किस्म का डोसा, इडली, उत्तपम समेत कई स्पेशल डिश। एक ही छत के नीचे नॉन वेज और वेज दोनों तरह के डिश का उठाए जायका। स्वाद ऐसा कि एक बार यहां खाने के बाद आप बार बार आएंगे। न्यू डाउन सिटी और चेन्नई डोसा प्लाजा। पता नोट कर लीजिए, गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, ईस्ट बोरिंग कनाल रोड, पटना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8693208290। NBC 24, सच की ताकत।